नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने आज बुधवार जुलाई 12 के ओपन इंटरेस्ट ऑफ सब पार्टिसिपेंट्स के और ऑप्शन चेन पर बनाया है कल के वीकली एक्सपायरी को देखते हुए कि क्या डायरेक्शन मार्केट ले सकता है उस हिसाब से। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने आज बहुत छोटा क्वांटिटी लॉन्ग किया और उस बहुत ही नॉमिनल फ्रेश शॉर्ट 96,000 पर खड़े। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि 2 दिन से हम देख रहे थे लॉन्ग इन वाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग FIIs से, आज 2 दिन बाद हम फ्रेश लॉन्ग देख रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल फ्रेश शॉर्ट सामने से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग और ना के बराबर शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क ने बड़े क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग किया और बहुत कम क्वांटिटी में फ्रेश लॉन्ग किया। क्लाइंट्स ने जबरदस्त क्वांटिटी में लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग भी की। फिलहाल हम जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है, सिर्फ FII नेट लॉन्ग है, बाकी सब नेट शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, आज मिड कैप इंडेक्स एक्सपायरी के बाद FII का जो मैंने कल बताया था कि जो डेटा थोड़ा बुलिश लग रहा था परसों के हिसाब से, वो एक्चुअली बुलिश नहीं था और वो आज क्रॉस कंफर्म हो रहा है। आप इधर देख सकते हो कि उनका नेट रेशियो अभी 1.63 हो गया, 1.4 कल का था। नेट पोजिशंस में पुट्स में ज्यादा एडिशंस हुई है उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज भी छुट्टी ले ली इंडेक्स ऑप्शन से। प्रॉप डेस्क जो मार्केट पे बेरिश थे अब और बेरिश हो गए, या उनका आप देखिए नेट कॉल शॉर्ट काफी हैवी क्वांटिटी में। उनके हिसाब से कल की बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी ऊपर नहीं होने वाली है, नीचे ही होगी। इनफैक्ट वो थोड़ा बेरिश मोड में गए, ऑलमोस्ट 1:1 पुट स्प्रेड अपना कंटिन्यू करते। उनके हिसाब से आज के जो बिग नंबर्स थे पोस्ट मार्केट TCS HCL, उनका रिएक्शन कल नेगेटिव रहेगा और साथ में उनको US CPI भी वैसा ही लग रहा था, इसीलिए उन्होंने ये वीक के पोजीशंस को वैसा अपना बनाया। क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स जो माइल्डली बुलिश थे अब सुपर बुलिश है। उनके हिसाब से मार्केट कल तेज ही रहेगा और आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने अभी 1 लाख नेट लॉन्ग कॉल कर दिया और सामने से पुट का और थोड़ा शॉर्ट ऐड कर दिया। तो ओवरऑल इंडेक्स ऑप्शंस में FII माइल्डली बेरिश है, आप उसको हेज भी बोल सकते हो लॉन्ग्स के सामने। प्रॉप डेस्क बेरिश, क्लाइंट्स अल्ट्रा बुलिश। प्रॉप डेस्क अल्ट्रा बेरिश। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो FIIs ने हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स आज ऐड की, हैवी ड्यूटी 30,000 क्वांटिटी का शॉर्ट, अब वो वापस ऑलमोस्ट नियर 1 लाख आ गए। याद रखिए ये 2 लाख से 1 लाख आ गया है एक हफ्ते के अंदर। उनके तरफ से काफी क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं FII की तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं। क्रॉप डेस्क ने आज जबरदस्त बाइंग की है, साथ में क्लाइंट्स ने भी आज जबरदस्त बाइंग की। आज प्रोज और क्लाइंट्स करण अर्जुन थे दोनों एक ही साइड में और FII दिया है दूसरे साइड में इंडेक्स फ्यूचर्स। स्टॉक कॉल्स की बात करें तो ऑप्शन में जाने के पहले एक बार फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, जो 5 दिन के हाईएस्ट हुआ चेंज। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इन स्टॉक्स पर आप डेटा और चार्ट चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड मिले। नॉट नेसेसरी कि आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस सेगमेंट में है, क्योंकि 5 दिन में कई बार स्टॉक अपना टारगेट कंप्लीट करता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है, बट ओवरऑल इतना बड़ा हैवी हुआ है माना कोई बड़ी पोजिशन होने की चांसेस होती है स्टॉक्स में पूरी ट्रेंड की। स्टॉक कॉल्स और ऑप्शंस की बात पुट्स की बात करें तो FII ने 1:2 आज भी चालू रखा है और पुट्स में 1:1 जैसा पोजीशन किया है, थोड़ा सा वेरी माइल्ड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज सेंचुरी करना, क्रिकेट में इंडियन टीम का प्लेयर सेंचुरी करे ना करे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हर सेटलमेंट में सेंचुरी कर ले। प्रॉप डेस्क हैवी क्वांटिटी में कॉल शॉर्टिंग, वो इधर भी शॉर्ट, इंडेक्स ऑप्शंस में भी शॉर्ट,
खाली स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग सामने से। तो ये जो उनका आज स्टॉक फ्यूचर में कॉल के अगेंस्ट में कॉल शॉर्ट है, इसको हम एक हेज स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं कि वो ये जो लॉन्ग्स हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए। क्लाइंट्स ने आज अच्छे क्वांटिटी में लॉन्ग किया है, कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट भी किया है, तो इसमें हमें 1:1 भी मिलेगा ट्रेड। जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शन शॉर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ नेकेड ऑप्शन बायर होते हैं। इसीलिए हमें क्लाइंट्स के तरफ से हमेशा कॉल्स में प्लस ज्यादा दिखता है, इस कारण से तो कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है। और क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क ने पुट में ऑलमोस्ट 1:1 का ट्रेड मारा है, क्लाइंट्स ने भी ऑलमोस्ट 1:1। अगेन इसमें बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो नेकेड पुट बायर हैं, तो नीचे के जो पुट सेलर हैं ये बुलिश क्लाइंट्स हैं मार्केट के इस सब। चलिए एक नजर लगाते हैं हम ऑप्शन चेन पे, पर उसके पहले पुट कॉल रेशियो और थोड़ा नीचे आया आज 1.29, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। इस समय गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, तो अगर और रैली आती है तो कल देखेंगे कि ये वापस कितना ऊपर जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, 1.4 और 1.45 के बीच में शॉर्ट टर्म ओवरबॉट हो जाता है मार्केट, और 1.42 से गिरा। देखिए हम कल से कि वापस ये उतना ऊपर रैली मार सकता है कि और नीचे स्लाइड करेगा, क्या कहाँ इसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी। पर ओवरऑल डिक्लाइन स्लो जब होता है तब मार्केट में एक्स शार्प कैंडल नहीं मरते। अगर बहुत बड़ा डिक्लाइन बनेगा तब हम वैसा सोचेंगे कि हाँ बड़ा लार्ज कैंडल, जो हमने लास्ट सेटलमेंट देखा था 0.8 के पास, अगर आपको याद हो, और या वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, उस दिन बड़ी रेड कैंडल बनी थी और शार्प फॉल है उस दिन। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन के। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन निकल के आई है, इसमें हम देख सकते हैं कि नाइट काफी हैवी ड्यूटी राइटिंग है, 19200 से लेके 19300 तक। इसमें बहुत सारे हीरो या जीरो बायर भी हैं, जिन्हें लगा होगा कि यूएस सीपीआई बहुत खराब आएगा या टीसीएस के नंबर्स बहुत खराब होंगे तो एक मैसिव गैप डाउन मिलेगा, तो उस हिसाब से भी बहुत बायर है। बट ओवरऑल 19300 एक चट्टान जैसा वॉल लग रहा है कल के लिए सपोर्ट में। रेजिस्टेंस की बात करें तो इस साइड में अगर हम देखें तो हेवी ड्यूटी 400 पर है, काफी बड़ी क्वांटिटी है, उसके ऊपर वाला 450 भी बहुत ज्यादा है, ओवरऑल 500 तक भी बहुत ज्यादा है। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की तरह देखें तो जो कल की ओपनिंग होने वाली है वो लगभग 475 के पास होगी, 475। तो ये जो 450 475 है, ये एक क्रूशल वॉल होने वाला है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी ये पैनिक क्रिएट करेंगे 19500 राइटर को। नहीं तो 475 और नीचे 300 अगर कोई भी कारण से ग्लोबल क्यूज रेड हो जाता है तो 300 एक इम्पोर्टेंट बैरियर जैसा बन सकता है आगे जाने के। एक नजर लगाते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पर कि वो उधर कैसा डेवलपमेंट है। तो वहां की डेवलपमेंट अगर हम देखें तो उधर भी हमें पुट साइड में राइटिंग है, इंस्पाइट कि आज जो मार्केट नीचे आया था शार्प लास्ट 1 घंटा में, तभी भी राइटिंग, तभी भी काफी राइटिंग है इस साइड में। और अप साइड में भी देखें तो स्टेडी बिल्डअप है, ये पहले से था और ऐड हुआ है, 19500, 19550, 19600। तो कॉल साइड में नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में भी पहले से ही राइटिंग चालू है। अगर आपको याद हो लास्ट वीक भी हमने देखा एक्सपायरी स्टार्ट में ही 19500 पर राइटिंग थी, इधर भी कुछ वैसा ही ट्रेंड बन रहा है कि एक्सपायरी चालू होने के पहले ही बिल्डअप किए जा रहे हैं पोजिशन को एक साइड। चलिए एक नजर लगाते हैं मिड कैप में, आज एक्सपायरी हुई वीकली, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी से हमें कोई आइडिया मिलता है कि 19 जुलाई की एक्सपायरी है, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसमें अभी तक बना नहीं है, अभी टाइम लगेगा बनते हुए। तो इस समय तो आज तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम बोल के कुछ वैसा डिसाइड कर लें, पर अगर कोई रेंज अगर मिड कैप निफ्टी का देखना हो तो 18,250
से 18,300 एक इम्पोर्टेंट होगा, उसी के बाद हमें पता चलेगा 18,300 के ऊपर, क्योंकि वो लास्ट 2 दिन का बैरियर था। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हमें कुछ रैली देखेगा, और नीचे 250 के नीचे थोड़ा प्रेशर जैसा लग रहा है एज पर चार्ट्स, उसको हम बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फिन निफ्टी, उधर क्या नई एक्सपायरी का क्या रंग हो रहा है। तो यहां पर भी हमें पुट साइड में देखिए आप कंटिन्यूस राइटिंग है, बिल्डअप हो रही है। नॉन स्टॉप राइटिंग, ये काफी बुलिश है। इस साइड में अगर हम देखें 20,000 पे बल्क राइटिंग आज ही हुई, तो इसको कल टेस्ट, ये अगर टेस्ट होता है कल तो देखा जाएगा कि ये वाले राइटर भाग सकते हैं यहाँ से। मेन ये है, ये पहले का और कंसोलिडेशन है, ये भी कंसोलिडेशन है, और ये भी फ्रेश राइटर है ये वाले। तो 2,300 और 20,000 वाले फ्रेश राइटर है, अगर बुलिश ट्रेंड रहता है तो इन पर प्रेशर आएगा अपसाइड में कि ये कवरिंग करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से 19,900 एक वॉल है और अपसाइड में 2,300 है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर गैप अप या गैप अप नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर कल का सस्टेन करता है तो ये वाले कैंडल्स में हमें काफी शॉर्ट कवरिंग, अगर 19,900 के नीचे रहता है तो प्रेशर में रहेगा फिन निफ्टी। ये रेंज है, बड़ा रेंज ऑन दी अपसाइड की तरफ। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वो हमें क्या आइडिया दे। तो बैंक निफ्टी में भी देखें तो एडिशन निफ्टी के हिसाब से कम है, क्योंकि इसमें आज शार्प डंप आया नीचे की तरफ, बहुत कम है, बट पहले से एडिशंस हैं। इनफैक्ट 944,700 पर पुट में कवरिंग हुई है इस साइड, कॉल साइड में 44,700 तक का राइटर है, ये बड़े राइटर ये पहले से है, इन्होंने आज और अक्यूमुलेट किया, तो ये काफी बड़ा वॉल है। 44,700 से लेके 45,000 तक काफी बड़ा वॉल है, नीचे में 44,600, 44,500। मेरे हिसाब से 44,600 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो इन्हें प्रेशर में डालेगा, पर अगर आप सामने से कॉल का हुआ है देखें तो 44,500 पुट का हुआ है, कुछ नहीं कंपेयर टू ये वाइज ये वाले। तो 44,600 के नीचे ही सस्टेन में वो प्रेशर आ जाएंगे, ऊपर में 44,800 और उसके ऊपर सीधा 45,000 पर प्रेशर पड़ सकता है कल। एक नजर लगाते हैं हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पर कि वहां कुछ आज बिल्डअप हुआ है क्या वैसा जो हमें कुछ अलार्मिंग या ऐसा कुछ बता सके। तो इधर देखिए पहले से राइटर और इस साइड में राइटर इधर है 44,500 में, साइकोलॉजिकल राउंड फिगर वाले स्ट्राइक्स है, ऐसा कोई एक्सेप्शनल राइटिंग नहीं है। 44,800 पर है वो, हम बोल सकते हैं यहाँ पर राइटर है। इधर पुट साइड में ऐसा कुछ डायनेमिक राइटिंग नहीं है, पुट राइटर बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना कॉल राइटर इस समय है, बिकॉज वो लास्ट 4 दिन से डिक्लाइन में है। इनफैक्ट लास्ट ट्यूजडे से 46,000 ऑट से 44,000 सॉरी 45,400-45,500 से डिक्लाइन में है, तो वो पुट राइटर का वहां पर एम्फेसिस कॉल राइटर का वहां ज्यादा नेचुरल रहता है इस समय। तो आज के मूवमेंट और रेंज के बाद और डेटा देखने के बाद जो कल का जो बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बताने के पहले एक डिस्क्लेमर, प्लीज इसे कोई ट्रेडिंग एडवाइस ना समझे और उस हिसाब से ट्रेड करें, आप अपना स्टडी खुद करें, ये सिर्फ एक एडुकेशनल वीडियो है, ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, बेस्ड ऑन ऑप्शन डेटा ऑप्शन चेन, और अपनी डायरेक्शन और अपना रिस्क जरूर मैनेज करें, आप भले कोई भी डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड करें। तो कल का जो रेंज है वो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में सपोर्ट 8,250, उसके नीचे 8,200, रेजिस्टेंस 8,350, 8,400,
फिन निफ्टी में सपोर्ट 19,775, उसके नीचे 19,650, रेजिस्टेंस 20,050 और 20,200। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 44,350, उसके नीचे 44,000, बड़ा सपोर्ट। रेजिस्टेंस 44,950, उसके ऊपर 45,250। निफ्टी का अगर सपोर्ट बात करें, जो बड़ी सपोर्ट है वो 19,250, उसके नीचे 19,100, रेजिस्टेंस 19,500। हमने ओआई में भी देखा बहुत बड़ा ओआई खड़ा उधर, और उसके ऊपर 19,650। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको आपके ट्रेडिंग पोजिशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।